हम रैली में कई बार गए हैं, मुकेश सहनी के रैली में नहीं गए हैं तो दो तीन बार तो रैली में गए हैं। हमारे मंत्री जी जेल जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये आरक्षण के लिए डट के खड़े हैं। दोनों गठबंधन से एक ही मांग है, जब तक तुम आरक्षण नहीं दोगे तब तक तुम्हारे से समझौता नहीं होगा। हम तो भाजपा से यही कहेंगे कि तुम सीएम का भी उम्मीदवार उतार दोगे तो बिहार में निषादों का नेता मुकेश सहनी होगा, उसका अलावा कोई नहीं होगा। मान लीजिए नहीं बात बनी तो फिर आपके नेता जी और आप लोग क्या करेंगे? अरे मेरा शेर जिंदा भी है, मेरा शेर है बिहार का। अब जतना निषाद दिखे, पूरा निषाद समाज है ये। अब पूरा निषाद समाज से पूछ लीजिएगा आप, सब मुकेश सहनी के साथ है। वो बोलेगा लोटाम देने के लिए वोट, तो हम लोटाम दे देंगे, मर जाएंगे मगर वोट नहीं बचाएंगे हम लोग। क्या बात करते हैं, फिर मुर्गा अथी पर बिक गए तब। अरे मेरा समाज जाग गया है अब। बीजेपी कहती है कि हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी तो किनने का काम करती है, तोड़ने जोड़ने के बाद बीजेपी तो किनने वाली पार्टी है, विधायक सांसद मंत्री। कि मुकेश सहनी ना एनडीए के साथ गए ना इनडी गठबंधन के साथ गए, तो अब तो दाल दोनों गठबंधन में नहीं गला ना, गलाएंगे कि छोड़ेंगे थोड़ी है, गलाएंगे। निर्दलीय खड़ा हो गए पार्टी से, निर्दलीय खड़ा। हाँ हाँ, हमारा आरक्षण पे बात करो, बिना सीट समझौता करने के लिए तैयार है। सब घर वो उन्हीं का चलेगा, परिवर्तन होगा। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, दाम बदलाव होगा। हाँ, मोदी जी समय के इंतजार है यार का है। हाँ, हाँ, हम किसी से गठबंधन करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी पार्टी खुद है, हमारी सिंबल है। हम अपने सिंबल और पार्टी के दम पर चुनाव लड़ेंगे। अरे गठबंधन से ही थोड़े ना चुनाव होता है जी। संविधान लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये पावर है, ये सभी पार्टियों को ये ताकत देती है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पास 40 सीट है। अरे भैया, तो हमारे पास लोकसभा वाला है ना, हमारे पास वोट है ना, हम खुद सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ा नेता कौन है, हरीश सहनी, अजय निषाद या मुकेश सहनी? मुकेश सहनी है। क्या बात करते हैं, उधर हरीश सहनी बोल रहे कि हम मलाहों के बड़े नेता हैं। मुकेश सहनी के जाना। अगर गठबंधन नहीं होता है, अगर तालमेल महागठबंधन के साथ भी नहीं बनता है, तो सहनी जी अकेले ताल ठोकेंगे, और जब अकेले ताल ठोकेंगे तो क्या करेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे जी? तो आरक्षण नहीं दे रहा, मंत्री पद दे रहा था, कहीं नहीं ले लिया? अरे मंत्री विधायक तो बहुत लोग हैं बने। हाँ। हम मुकेश सहनी जी मंत्री विधायक बनने के लिए नहीं आते। हाँ। उनका एक ही मकसद था, हमारा अरे हरीश सहनी का है कि हम लोग भावे नहीं दे रहे हैं। उसको हरीश सहनी का क्या औकात है बिहार में, हम लोग से खुद हमारा पार्टी से टिकट लिए थे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हर गठबंधन शुरू कर दी है। सीटों की बंटवारे की अगर बात करें तो एनडीए भी सीट की बंटवारा कर चुके हैं, वो तो उम्मीदवार भी अपना घोषित कर दिए हैं। और अगर इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो उन्होंने भी सीट की बंटवारा कर दी है, लेकिन अभी महागठबंधन में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। अंदर खाने से फाइनल हो गया है लेकिन अभी तक मोहर नहीं लगी है। मुकेश सहनी का खबर ये निकल के सामने आ रहा था कि मुकेश सहनी पहले एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए में बात बनी नहीं। फिर बात ये खबर निकल के सामने आई कि मुकेश सहनी इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन दोनों गठबंधन अपना सीटों का ऐलान कर दिया है और मुकेश सहनी अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाए हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर शंकर सहनी नाम। लोकसभा चुनाव की बिगुल तो बज गई है, बज गया है। 7 चरणों में चुनाव की घोषणा भी हो गई है, दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। नेताजी को भाव दोनों गठबंधन से मिला नहीं। हाँ। अब आपके नेताजी करेंगे क्या? अरे गठबंधन से ही थोड़े ना चुनाव होता है जी। हाँ। संविधान लोकतंत्र है। हाँ। लोकतंत्र में ये पावर है, ये सभी पार्टियों को ये ताकत देती है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पास 40 सीट है, और 40 सीट पे भी हम अपना प्रत्याशी देंगे। 4 सीट का भले नॉमिनेशन चला गया है, बाकी 36 सीट है, ये 36 सीट पे भी हम अपना पार्टी का। तो आपके समाज में तो कई नेता भी खड़ा हो गए हैं ना, एक तरफ हरीश सहनी बीजेपी से खड़े हैं, अजय निषाद खड़े हैं, इधर मुकेश सहनी है, तो आखिर सही मायने में आप लोग के नेता कौन है? देखिए हर पार्टी में नेता होते हैं, जैसे यादव के, जैसे लालू यादव के, हर लालू यादव के पार्टी में भी यादव है, भाजपा के भी पार्टी में यादव है, तो वो ठीक उसी प्रकार हमारे पार्टी में भी हैं। याद मल्ला जो है, निषाद कुरी है, वो हर पार्टी में, तो हमारे भी लोग हैं। अरे वो नेता है तो है नेता, मगर सबसे बड़ा ब्रांड अगर निषाद का है तो वो सनप मल्ला मुकेश सहनी जी ही है, और कोई नहीं है। तो अगर ब्रांड है तो फिर दोनों गठबंधन तो भावे नहीं दिया, हम गठबंधन करबे नहीं। ठीक है, दोनों के दोनों पार्टी निषाद विरोधी है, अगर भाजपा तो प्योर निषाद विरोधी है। हाँ। क्योंकि उनके पास हम गए ही थे। हाँ। इस बात को लेकर, ये शर्त लेकर कि आप अगर हमें निषाद आरक्षण देंगे। हाँ। तो हम आपके साथ हैं। हाँ। अगर आप निषाद आरक्षण नहीं देंगे। हाँ। आप 5 सीट भी दीजिएगा तो हम आपके। हाँ। साथ नहीं है। हाँ। तो वो पार्टी सीधे नकार दी कि मैं आपको निषाद आरक्षण
नहीं दे सकता हूँ, हमारी सरकार बनेगी तो हम नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तब उनसे बात नहीं बनी। बात रहा कि अगला पार्टी से, तो दो तीन दिन का आउट समय लिया गया है इंडियन एयरलाइंस में कि हाँ इंडिया एयरलाइंस जो है उनमें बात चल रही है, अगर दो तीन दिन में क्लियर होता है तो हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो उसके बाद हम बाकी लोकसभा सीट पर हम अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अकेले बिगुल फूकेंगे? अकेले जी, हर बिहार में 17 लोकसभा ऐसा सीट है जहां पर निषाद बहुली का बहुत बजट है, वो हार और जीत को। तब एनडीए में बीजेपी के खाते में गया है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से निषादे को खड़ा कर दिया है बीजेपी, तो फिर लड़ाई तो टक्कर की हो जाएगी ना। सुनिए, भाजपा के पास भी निषाद का कोई नेता नहीं है, वो जो राजभूषण डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो लड़ने गए हैं 2019 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, आज वो उनके हमारे पार्टी से खींच के वो अपने पार्टी में उनको सिंबल दे दिए, इससे क्या साबित होता है कि आपकी पार्टी में निषाद का कोई बेटा नेता नहीं है, आप हमारे पार्टी से छीन के आप नेता बनाना चाह रहे हैं, अब नहीं होगा। ये एक मान लीजिए पूरा बिहार मानता है कि निषाद का एक ही नेता है, उस अनप मल्ला मुकेश सहनी जी हैं। कहीं आप नेता जी नहीं है ना जी, पहले ये बताइए जी। हम लोग हैं मुकेश सहनी जी के समर्थक है और समाज के लोग हैं, तो भाई स्वाभाविक है अपने। हमारा सवाल ये है, पहले ये अपना नाम बताइए। प्रद्युमन बेलदार नाम हुआ मेरा। प्रद्युमन जी, सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आप लोग संकल्प यात्रा निषाद आरक्षण को लेकर आप लोग 100 दिन का संकल्प यात्रा आपके नेताजी किए, साथ आप लोग भी दिए। जी जी। हो रहा था कि आप लोग एनडीए के साथ जाएंगे, कभी खबर निकल के सर महागठबंधन के साथ जाएंगे, दोनों गठबंधन भाव नहीं दिया, अब आपके नेताजी क्या करेंगे? नेताजी बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि हम लोग का मांग है आरक्षण का, जो आरक्षण पे बात करें। तो जब गठबंधन ही नहीं हुआ तो आरक्षण कहाँ से देंगे? अरे भैया, तो हमारे पास लोकसभा है ना, हमारे पास वोट है ना, हम खुद सरकार बनाएंगे, हमारा खुद उतना लोकसभा में लड़ने का क्षमता। दोनों गठबंधन से तो बात बनी नहीं, तो अब आपके नेताजी क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अभी भी टाइम है, फिर भी हम लोग अकेले तैयार हैं। पूरे बिहार में लाखों लोगों ने संकल्प लिया है कि वीआईपी पार्टी के साथ आस्था विश्वास रहता है, मुकेश सहनी जी के साथ आस्था विश्वास रहता है, ये पूरे समाज जहाँ मुकेश सहनी जी का निर्देश होगा वहाँ वोट करने का काम करेगा। या तो मुकेश सहनी जी निर्देश दे देंगे कि आज अकेले लड़ना है तो अकेले मैदान में तैयार है, तो फिर अकेले अगर लड़ेंगे नेताजी तो नुकसान किसको पहुँचाएंगे? दोनों तरफ से तो भाव मिला नहीं, नहीं, नहीं। और एक तो पीठ में छुरा घोपा है और एक तो छाती पर खंजर घोपा है, तो भाव तो दोनों से नहीं मिला, नुकसान किसको पहुँचाएंगे फिर? वो तो वक्त बताएगा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, लेकिन जिसको नुकसान पहुंचाएंगे बढ़िया नुकसान पहुंचाएंगे। और हम लोग किसी के नुकसान में नहीं, हम लोग हैं कि हमारा पार्टी कैसे जीतेगी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है? नेपाली सहनी। आप सहनी जी ये बताइए, मलाहो का सबसे बड़ा नेता कौन है, हरी सहनी, अजय निषाद या मुकेश सहनी? मुकेश सहनी है। क्या बात करते हैं उधर, हरी सहनी बोल रहे कि हम मलाहो के बड़े नेता हैं, मुकेश सहनी के जाना। तो दोनों चुनाव आ गया है लोकसभा और गठबंधन किसी के साथ नहीं किए हैं, तो आपके नेताजी क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? मुकेश सहनी कहेंगे करेंगे। हाँ हाँ, आपके नेताजी जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, वही। आइए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, दादी लोग हैं, आइए। दादी क्या नाम है आपका? हाँ, पतिया देवी बोलिए। ये बताइए, चुनाव आ गया है, वोट करती है ना? तो इस बार वोट किसको करिएगा? मुकेश सहनी की। अरे तो मुकेश सहनी किसी के साथ गठबंधन ही नहीं किए हैं अभी। हम रैली में कई बार गए, मुकेश सहनी के रैली में नहीं गए, दो तीन बार तो रैली में गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो तो अभी चुनाव का ऐलान नहीं किए हैं कि अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन अभी हुआ नहीं है, चुनाव का ऐलान किए नहीं, तो किसको वोट करिएगा? मुकेश सहनी बोलेंगे। हरी सहनी आएंगे तो मुकेश सहनी को हम देंगे कि हरी सहनी को नहीं दीजिएगा? नहीं, मुकेश सहनी को देंगे। किसको देंगे आप? देंगे। किसको? मुकेश सहनी को देंगे। मुकेश सहनी को देंगे। आइए, कुछ युवा भी हैं, युवा से बात करते हैं, युवाओं से एक चीज बताइए। लोकसभा चुनाव की तैयारी हर गठबंधन शुरू कर दी है, बिगुल बज चुका है, 19 अप्रैल से पहला चरण का चुनाव समीकरण शुरू हो गया है। आपके नेताजी, आप लोग अभी चिल्ला रहे थे मुकेश सहनी जिंदाबाद, आपके नेताजी को दोनों गठबंधन भाव दिया नहीं, तो अब आप लोग करेंगे क्या, किसको वोट करेंगे? हम लोग पहले तो, सबसे पहले तो हम जो हमारे मंत्री जी जो है मुकेश सहनी जी, आरक्षण पर बात किए हैं, आप पूरा बिहार में घूमे, यूपी बिहार झारखंड, गठबंधन हुआ नहीं तो आरक्षण कैसे मिलेगा? तो हम लोग गठबंधन करना चाह रहे हैं, कहाँ भाजपा से हम लोग आरक्षण मांगे थे, आरक्षण नहीं दिया था हम लोग, उसे पार्टी में गए नहीं। बात रहा इंडिया गठबंधन का, इंडिया हो रहा है मेरा बात, अगर आरक्षण का बात करेगा तो हम लोग उसमें जाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं बात बनी तो फिर आपके नेताजी और आप लोग क्या करेंगे? अरे मेरा शेर जिंदा भी है, मेरा शेर है बिहार का, अब जितना निषाद समाज है ये, अब पूरा निषाद समाज से पूछ लीजिएगा आप,
सब मुकेश सहनी के साथ है। वो बोलेगा लोटाम देने के लिए वोट, तो हम लोटाम दे देंगे, मर जाएंगे मगर वोट नहीं बचेंगे हम लोग। क्या बात करते हैं आकाश, फिर मुर्गा अति पर बिक गए तब। अरे मेरा समाज जाग गया है अब, वो सब समाज नहीं रहा। आपके नेताजी संकल्प करा रहे थे कि संकल्प करिए कि हम किधर नहीं जाएंगे। एकदम सही बात है, जब हम मुकेश से जो संकल्प किए हैं उसीलिए तो किए हैं कि जो हमारा रक्षण में बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। कहीं दूसरा आकर मुर्गा पैसा दे दिया था क्या करें? एक बिकने वाला नहीं है, अब सब जमाना गया। अब गया, एकदम पूछ लीजिए समाज से, मेरा बाबा से पूछ लीजिए। बाबा से तो अभी पूछे, एकदम इससे पूछ लीजिए। चाचा क्या नाम है? हम लोगों का नाम है रमेश। अच्छा रमेश जी, ये बताइए चुनाव की तैयारी दोनों गठबंधन शुरू कर दिए? यहाँ के बाहरी हैं। बाहरी कोई बात नहीं, बिहार के हैं ना। तो हम बस चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं, हम चर्चा ये करने आए हैं कि एक तरफ है एनडीए गठबंधन और एक तरफ है इंडी गठबंधन। देखिए हम लोगों को इंडी और इससे मतलब नहीं है। किसे मतलब? हम लोग जो अपना काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई के काम से जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों का काम है उसी पर जिंदा है। आपका मत का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। आइए कुछ और युवा है, युवाओं से जानेंगे। बाबा क्या नाम है? विनोद प्रसाद। प्रसाद जी ये बताइए, चुनाव आ गया है, एक तरफ लड़ाई है एनडीए गठबंधन की और एक तरफ है इंडी गठबंधन की, माने आईएनडीए गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन। वर्तमान में केंद्र में सरकार एनडीए गठबंधन की है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। वो उन्हीं का चलेगा, परिवर्तन होगा। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, दाम बदलाव होगा। मोदी जी समय का इंतजार है यार का है। समय का इंतजार है। तो एक देखिए, मुकेश सहनी को लेकर हम चर्चा करने आए हैं कि मुकेश सहनी ना एनडीए के साथ गए ना इंडी गठबंधन के साथ गए। तो अब तो दाल दोनों गठबंधन में नहीं गला ना, गलाएंगे कि छोड़ेंगे थोड़ी है। गलाएंगे? हाँ, निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे पार्टी से। निर्दलीय खड़ा? हाँ हाँ जी। तो अकेले बिगुल फूकेंगे तो किसको हराएंगे? अकेले का जब तो बहुत सब केवट कैसी है, कितना हारना तो काम है। आखिर मान लीजिए अकेले अगर बिगुल फूकते हैं आपके नेताजी, तो फिर आप लोग किसको हराएंगे, महागठबंधन को कि एनडीए को? अब तो जिसको हारना होगा तो हवे करेगा, अब देखिए जिसको वोट देना तो हम देवे करेंगे। तो किसको आप करेंगे? मुकेश सहनी के देंगे। मुकेश सहनी करेंगे? मुकेश सहनी करेंगे। हरी सहनी आएंगे तो? हरी तो मुझे खरीद देखो मन सपोर्ट करेंगे, यहाँ सपोर्ट करेंगे, मतलब वोट मन ऐसे के मिले कभी नहीं होगा। देखिए क्या नाम है? सोमर केवट। अच्छा केवट जी ये बताइए, नैया का खेवैया राम जी के आप लोग बन गए थे, चुनाव आ गया है, आपके नेताजी का दाल गला नहीं है दोनों गठबंधन से, तो अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा नेता कहेगा वही करेंगे। अरे तो नेता आपके कौन है? मुकेश सहनी है और भी है। अरे तो आपके आपके समाज में तो और सारे नेता है ना। हाँ हाँ, तो किसको सपोर्ट करेंगे? जो इनके साथ रहेंगे उनके साथ रहेंगे और बाकी अन्य होने जाएगा। तो देखिए आखिरी सवाल इनसे कर लेते हैं, ये मलाई पकड़ी का गांव है और भले ही गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन निषाद समाज खुल के ये कह रहा है कि नहीं, हम मुकेश सहनी के साथ हैं और शेर मेरा जिंदा है। भले ही गठबंधन नहीं हुआ हो, अगर गठबंधन नहीं होता है, अगर तालमेल महागठबंधन के साथ भी नहीं बनता है, तो सहनी जी अकेले ताल ठोकेंगे। और जब अकेले ताल ठोकेंगे तो क्या करेंगे, किसको नुकसान पहुँचाएंगे जी? सबसे पहले तो हम लोग भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दुश्मनी भाजपा से है कि महागठबंधन से? भाजपा से दुश्मनी है, सबसे बड़ी दुश्मनी है। इसलिए कि उन्होंने वादा किया था, 14 में भी वादा किया था कि आपके समाज के हम रक्षण देंगे, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया। 19 में भी वादा किया, तो सबसे बड़ी दुश्मनी यही है। आपको रक्षण नहीं दे रहा, मंत्री पद दे रहा था तो कहीं नहीं ले लिया? अरे मंत्री विधायक तो बहुत लोग हैं बने, हम मुकेश सहनी जी मंत्री विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, उनका एक ही मकसद था कि बिहार में जो हमारे समाज के आंसू गिरा वो आंसू को पूछने के लिए। आप बोल रहे हैं कि दोनों दाल नहीं गला रहा। अरे भैया हम किससे दाल गलाना नहीं चाहते हैं, हमको तो दोनों लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मकसद सीट नहीं है, एमपी बनाना नहीं है हमारा। अरे हरी सहनी का है कि हम लोग भावे नहीं दे रहे हैं उसको। हरी सहनी का क्या औकात है बिहार में? हम लोग से खुद हमारा पार्टी से टिकट लिए थे 20 में, फिर रिटर्न कर दिया टिकट अमित शाह जी के कहने पर। तो उसका क्या औकात है? हमारे मुकेश सहनी जी के काट में भारतीय जनता पार्टी ने हर नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि राजभूषण जी को, अजय निषाद प्रेजेंट सांसद को टिकट काट दिया, राजभूषण चौधरी को दे दिया। हम तो भाजपा से यही कहेंगे कि तुम सीएम का भी उम्मीदवार उतार दोगे तो बिहार में निषादों का नेता मुकेश सहनी होगा, उसका अलावा कोई नहीं होगा। बिहार में भी डबल इंजन का सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार,
तो अब बताइए, इसीलिए ना उससे दुश्मनी है कि भैया जो सरकार रहेगा हम उसी से लड़ाई लड़ेंगे। हम तो महागठबंधन से अभी नहीं बोल सकते, इंडिया गठबंधन से तो नहीं बोल सकते आरक्षण दीजिए, जो सरकार में हम उससे लड़ाई लड़ते अरे उसी के 10 साल से तो वो सत्ता में है, 10 साल से तो हमको गोलियां दे रहे हैं, गोली यही देते रह गए कि हम आपको देंगे, हम आपको देंगे आरक्षण। अरे भैया 14 में बोले हम मान लिए कि चलो भाई दीजिएगा, 19 तक आप बोले कि हम देंगे देंगे आपको, तो 19 में नहीं दिए तो उनको चखाने के लिए हम चल दिए अलग, उसमें भी नहीं दिए। फिर उसके बाद 20 में बोले कि हम देंगे तो हमारे साथ गठबंधन कर दो, फिर हम गठबंधन किए, फिर 20 में भी गोली दे दिए। मतलब ये सिर्फ गोल गोल घुमाने वाली बातें करते हैं, जैसे जलेबी गोल गोल घूमता है ना जी, वैसे ही भाजपा घुमाता है। इस बार हम उसको घुमा देंगे, निषाद समाज घुमा देगा। मैंने आप लोग जाग गए हैं, आप लोग जाग रहा है, वोट से अब उनको और चोट पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, हम लोग को जो वोट बैंक है, निषाद का जो वोट बैंक है, इस बार पूरा एकजुट है। और माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री माननीय मुकेश साहनी, कैसे कहते हैं कि एकजुट है, एक आप है? आपके समाज के लोग उधर हरीश साहनी के साथ हैं, मेरे समाज के लोग हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, बीजेपी का और बना दे कुछ लोगों को। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे पार्टी से उनको कम पड़ गया है, उनके पार्टी में कोई नेता नहीं है मल्लाह का, हमारे पार्टी में निषाद का नेता है, इसके कारण तोड़ तोड़ के हमारे पार्टी को नेता को बना रहे हैं, उनके पास पार्टी का नेता रहते तो बनाता। तो बीजेपी कहती है कि हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी तो किनने का काम करती है, तोड़ने जोड़ने के बाद बीजेपी तो किनने वाली पार्टी है, विधायक सांसद मंत्री किन किन के बनाते हैं, उनके पास रुपया है सब कुछ, अंडानी अंबानी जैसे फंडिंग करने वाले लोग हैं कर रहे हैं, उनके पास रुपया है, प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, CBI ED सब कुछ उन्हीं के पास है, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करके आज तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबको, आज अरविंद केजरीवाल नहीं समझौता किए, आज जेल में है, हेमंत सोरेन समझौता नहीं किए, जेल में है, हमारे मंत्री जी जेल जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये आरक्षण के लिए डट के खड़े हैं। दोनों गठबंधन से एक ही मांग है, जब तक तुम आरक्षण नहीं दोगे तब तक तुम्हारे से समझौता नहीं होगा, हमारा आरक्षण पे बात करो, बिना सीट समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब पूरे झारखंड यूपी बिहार आपका निषाद समाज का वोट देने के लिए, अगर महागठबंधन से भी बात नहीं बनता है तो फिर क्या करेंगे? हमारी पार्टी है, हम किसी से गठबंधन करने के लिए नहीं आए हैं, हमारी पार्टी खुद है, हमारी सिंबल है, हम अपने सिंबल और पार्टी के दम पे चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे तो पता चलेगा कि हम अपने दम पे चुनाव लड़े तो कितना पावर में है और कितना वोट लाए हैं। आगे वाली सात तक जिसको हारना होगा, जिसको जीतना होगा, आने वाली 2024 में पता चलेगा, जब अकेले चुनाव लड़ेंगे तब। तो मलाह समाज भी जाग गया है और उनका कहना है कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब मुकेश सहनी की बात महागठबंधन से अगर नहीं बनती है तो क्या तीसरा मोर्चा खोलेंगे? क्या वो अकेले बिगुल फूकने आएंगे? अगर अकेले बिगुल फूकते हैं तो कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं।